भगवानपुर में भीम आर्मी जय भीम ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली। यात्रा में जिला अध्यक्ष दीपक रविदासी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि संविधान के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवानपुर में भीम आर्मी जय भीम के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली। देश का नाम इंडिया हो या सिर्फ भारत, इस विवाद के बीच भीम आर्मी जय भीम के भगवानपुर जिला अध्यक्ष सागर रावण ने कहा कि जो लोग इंडिया नाम बदलने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मानसिकता बहुत कमजोर है। जो इंडिया नाम बदलने की बात करेगा, ऐसे लोगों का हुलिया ही बदल दिया जाएगा। वहीं भीम आर्मी जय भीम के जिला अध्यक्ष दीपक रविदासिया ने कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान के साथ में कोई छेड़छाड़ ना हो, जैसे कि छेड़छाड़ करी जा रही है और जगह जगह हमारे साथ में जो है हमारे समाज के साथ में एट्रोसिटी हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं पर पाबंदी लगाने उसमें जो है अभी एक आंदोलन की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौ गांधी के जब भी आदेश होंगे उसी के अनुसार इसमें ज्ञापन देने का काम किया है। हमें भीम आर्मी जिला अध्यक्ष दीपक रविदासिया जी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं और ये जो हमने संविधान यात्रा स्टार्ट किया है हसनपुर मदनपुर से स्टार्ट करके ये पूरे भगवानपुर के विधानसभा के 12 गांव में निकाली जाएगी और संपन्न इसका सिकंदरपुर वैंतवाला में किया जाएगा। ये उन लोगों की मानसिकता बहुत कमजोर है जो इंडिया शब्द को बदलने की बात कर रहे हैं ना, मैं हुलिया ही बदल डालूं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।